अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूँ डॉक्टर जमजम और आज का हमारा टॉपिक है फिलिंग वर्सेस रूट कैनाल, यानी कि एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा, एक नॉर्मल इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसके दांत में फिलिंग की ज़रूरत है या उसके दांत में रूट कैनाल की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, स्टे ट्यून्ड विद मी। तो जनाब, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दांत का स्ट्रक्चर आप समझ सकें। सबसे पहले तो आप इस पिक्चर में देखिए कि जो सबसे पहले वाली लेयर होती है, जो सबसे थिन है, पतली सी लेयर है वाइट कलर की, उसको हम कहते हैं इनेमल। जैसे हमारे हमारा नाखून होता है, इस तरह की थिन लेयर होती है, थोड़ी सी सख्त होती है, कवरिंग है समझ लें। तो ये इनेमल है जो वाइट कलर की सबसे बाहर वाली लेयर है। इनेमल के बाद जो उसके अंदर वाली लेयर है वो है डेंटीन, उसको डेंटीन कहते हैं। जो थोड़ी सी येलोइश एरिया आपको नज़र आ रहा है और वो थोड़ा सा चौड़ा एरिया है, वाइड एरिया है, इनेमल की बनस्बत थोड़ा सा चौड़ा है। डेंटीन के अंदर आपको नज़र आती है पल्प या पल्प चैम्बर। पल्प चैम्बर जो है किसी भी दांत का समझ लें कि वो एरिया है जहाँ पे सारी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाईज होती हैं, उसमें सेंसेस होते हैं, दर्द होना, जो भी चीज़ें होती हैं वो पल्प में होती हैं। इनेमल और डेंटीन में कोई सेंसेस नहीं होते, ठीक है। तो जो पल्प है वो समझ लें कि वो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी पार्ट है दांत का, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारे दांत में फिलिंग होगी या रूट कैनाल होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर आपके दांत में कोई भी कैविटी है, कैविटी के स्टेजेस होते हैं। जो पहली कैविटी है सबसे पहले वो इफेक्ट करती है सबसे ऊपर वाली लेयर को, जिसको हम इनेमल कहते हैं। तो जो कैविटी सिर्फ इनेमल को इफेक्ट करेगी वो बज़ाहिर बहुत छोटी कैविटी होगी, इतनी डीप नहीं होगी, उसमें पेन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पेन नहीं होगा, इनेमल को सिर्फ इफेक्ट किया हुआ है। और बहुत सारे लोग इस स्टेज पर कैविटी को इग्नोर करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो आपके मुँह में कैविटी नज़र आए, आपको ज़रा सा डॉट नज़र आए, आप उसको जाके डेंटिस से ट्रीट कराएं और उसको फिलिंग कराएं, तो वहीं पर वो चीज़ अरेस्ट हो जाएगी, वहीं पर वो चीज़ रुक जाएगी और मज़ीद नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। सेकेंड स्टेज जो हमारी केरीज़ की होती है, कैविटी की जो सेकेंड स्टेज है, वो ये है कि वो इनेमल से थोड़ा सा डीप चली जाएगी और वो डेंटीन में आ जाएगी, यानी जो येलो वाला पार्ट है उसमें कैविटी आ गई है। तो उसमें भी आपको पेन नहीं होगा, लेकिन वो कैविटी फिर भी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द स्टेज वन। तो उस कैविटी में अक्सर लोग जाते हैं उस कैविटी में और डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग करा लेते हैं, उसमें आपको पेन नहीं होगा। तो आसान जबान में आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके दांत में कोई कैविटी नज़र आ रही है, कोई ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है, कीड़ा लगा हुआ नज़र आ रहा है और आपको दर्द नहीं है, तो इट मींस कि उसकी फिलिंग होगी और वो फिलिंग से सही हो जाएगा। डेंटिस्ट ऑन सेफ साइड आपका एक्सरे करेंगे और थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा एक्सरे में कि वो आपकी कैविटी कितनी बड़ी है, ठीक है। अब आ जाते हैं उस स्टेज पर कि कब आपको रूट कैनाल रिक्वायर्ड है। जब आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं और आपको दर्द होता है और वो दर्द ऐसा है कि वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। जब तक आप कोई मेडिसिन नहीं लेते, जब तक आप कोई पेन किलर नहीं लेते, वो दर्द होता रहता है और दिन ब दिन वो दर्द शदीद होता जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कैविटी स्टेज थ्री तक पहुंच चुकी है, यानी कि वो पल्प को टच कर चुकी है, या यूं कह लें उसने पल्प को ओपन कर दिया है, यानी कि नर्व्स ओपन हो गए हैं। तो इसलिए दांत का दर्द होता है बहुत सिवियर होता है, शदीद होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो आपकी नर्व्स को और आपके सेंसरी ऑर्गन को हिट कर रही होती है। कोई भी आप खाना खाते हैं, कुछ भी आप ठंडा गर्म पीते हैं, तो वो डायरेक्ट लगता है जाके, तो इसलिए दांत का दर्द शदीद होता है। तो उस स्टेज से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप अपने दांतों को चेक करते रहें, टीथ ब्रश करते रहें रोज़, और चेक करते रहें अपने दांतों को, अपने बच्चों के दांतों को, जहाँ भी जो कैविटी नज़र आ रही है उसको वहीं डेंटिस्ट के पास जाके उसको फिलिंग करवा लीजिए। तो वो फिलिंग का जो खर्चा होता है वो एज़ कम्पेयर कम होता है एज़ कम्पेयर टू रूट कैनाल। खर्चे के अलावा जो विजिट है, फिलिंग वन विजिट में हो जाती है, रूट कैनाल थ्री विजिट फोर विजिट भी हो सकते हैं। फिलिंग में ये होता है कि फिलिंग में इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सुन करने की ज़रूरत नहीं है, और रूट कैनाल में आपको इंजेक्शन लगता है, आपको सुन किया जाता है, आपका सारा पल्प, सारी नर्व्स निकाली जाती हैं। कभी कभी वो ट्रीटमेंट पेनफुल भी होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने दांतों को चेक करते रहें और दर्द होने का इंतजार ना कीजिए, क्योंकि एक दफ़ा दर्द हो गया तो वो रूट कैनाल पर जाएगा। अब बात यह आ जाती है कि फिलिंग कितनी तरह की कराएं, फिलिंग कौन सी कराएं, फिलिंग कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, फिलिंग के प्राइस क्या क्या होंगे। तो इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी किसी और दिन, जिसमें हम फिलिंग के टाइप्स ऑफ फिलिंग्स, उनके क्या क्या कॉस्ट है, उनके क्या फ़ायदे हैं, उनके क्या नुकसान हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस बारे में होगी। शुक्रिया। तो आई होप कि मैंने आज आपके सारे कंसर्न्स रूट कैनाल वर्सेस कैविटी क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप फेसबुक पेज पर मैसेंजर में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का पता चलता रहे। टेक केयर।